अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स पेपर की। ठीक है, दैट वाज कंडक्टेड टुडे, इट मींस डेटेड 2nd अगस्त 2021। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राइट ऑप्शंस क्या हैं, दिस इज़ द आंसर की फॉर टुडेज फिजिक्स पेपर, और आप लोगों ने फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, आप लोग क्या कारनामे करके आए हो पेपर में। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस पेपर में आज का जो पेपर कंडक्ट हुआ था फेडरल बोर्ड का, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अप टू 70-80% वही क्वेश्चंस आए हैं जो कि इस चैनल ने आपके साथ शेयर किए थे। सो इस तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। इसमें से हमारे पास फर्स्ट MCQ है, दैट इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसके अगर हम रीज़न की बात करते हैं, सो रीज़न हमारे पास ये है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट है दैट इज मीटर क्यूब। सो डेंसिटी की जो यूनिट बनेगी दैट वुड बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 2, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू। आपने इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो बताने हैं। सो अगर आप इसमें से देखो, इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे लेकर आते हो इस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे मैंने ब्लू इन सर्कल किया है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स इसको मूव करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। सो इसका मतलब है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो MCQ नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। आपको जो गर्स क्वेश्चन थे, जो सैम्पल पेपर था, उसके अंदर मैंने बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को याद करना है। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपके पास दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी आपके पास जो है टाइम, वेलोसिटी, एनर्जी, दीज ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। MCQ नंबर 4, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब ये जो है थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशंस हैं, मैं आपके लिए कर देता हूँ। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि 1 किलोमीटर जो होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, इट हैव 1000 मीटर्स। अब हमने क्या करना है, इसी 10 मीटर पर सेकेंड को हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना। हम 1 को 1000 पे जब डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, किलोमीटर में आएगा ना, दैट वुड बी 0.001, बट द यूनिट वुड बी किलोग्राम। अच्छा, इसी तरह अगर हमने ये आर की बात करते हैं, जो घंटा जिसको बोलते हैं, सो एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। ठीक है, एक घंटे के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। सो अब आपने करना क्या है, किलोमीटर पर आर के लिए आप लिखोगे किलोमीटर पर आर। सो किलोमीटर की जगह पे हम लिखेंगे 0.001 kg, और आर की जगह पे हम लिखेंगे 3600 सेकंड्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो द राइट ऑप्शन वुड बी 36 किलोमीटर पर आवर। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5, MCQ नंबर 5, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। ठीक है, अगर आपके पास एक ट्राइंगुलर शीट है, उसकी आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, सो वो उसके दरमियान में होगी, दैट इज मीडियन। MCQ नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्स एक्सिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फार्मूला। अगर आपने फोर्स फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे, तो उसके लिए जो आपके पास राइट फार्मूला है दैट इज
थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स. सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. एमसीक्यू नंबर 7. इफ अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन वेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट इट इज सेड टू बी. अब ऐसे जो हमारे पास बॉडी होगी जो कि अपने ओरिजिनल पोजिशन पे वापस ना आए, सो दैट इक्विलिब्रियम वुड बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. एमसीक्यू नंबर 8. द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ एच वन अर्थ रेडियस अबाउ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज. अब इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1/4 ग्रैम. नेक्स्ट हमारे पास है 1 जाउल. अब 1 जाउल किसकी इक्वल है? आपको मैंने मॉडल पेपर में बताया था कि आप लोगों ने जो है ना जाउल जो एनर्जी की यूनिट है इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है. देखिए वही चीज़ हुई कि वो भी आपके पास पेपर के अंदर मौजूद है. सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये हमारे पास है 1 न्यूटन मीटर. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मीटर जो है आपके पास डिस्टेंस को शो कर रहा है. एमसीक्यू नंबर 10. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास इज 2 किलोग्राम इज 25 ग्राम इज 25 जाउल इट्स स्पीड इज. आपके पास मास, आपके पास मास जो है वो गिवन है. ठीक है, आपके पास जाउल एनर्जी जो है वो भी गिवन है. काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है. आपने करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड. अब इसको हम करते हैं किसी खाली जगह पे, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. हमें पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी के लिए जो इक्वेशन है जो हम फिजिक्स की बुक में पढ़ते आ रहे हैं दैट इज 1/2 mv². अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है मास की गिवन है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और मास की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, वैल्यू जो कि गिवन है 2 kg और वेलोसिटी जो है दैट इज v², ये हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है. अब 2 और 2 को अगर कैंसिल कर दोगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी ऑलरेडी आपको गिवन है ना इक्वेशन के अंदर. सो ये आपके पास होती है 25 और यहाँ पे आपके पास v² रह जाएगा. अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे. सो अंडर रूट 25 दैट इज इक्वल टू वी. सो अब अंडर रूट 5 करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5. ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है. अब आपने क्या करना है, इसमें से देखना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है. सो एमसीक्यूज नंबर 10 जो है इसका राइट ऑप्शन होगा वेलोसिटी 5 m/s. सो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज 5 m/s. एमसीक्यू नंबर 11. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर व्हिच अल्फा हैज अ वैल्यू ऑफ दिस. अब देखिए आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि बीटा जो है ना दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है, बीटा हमारे पास इक्वल होता है 3 के. सो ये जो आपके पास अल्फा की वैल्यू है आपने इसको बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. सो यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर. सो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आपके पास कहीं 6 के अराउंड आंसर आना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट, 6 × 10⁻³ पर केल्विन. नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू नंबर 12. द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा. अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट बताना है. ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का. सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. अब हमने करना क्या है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हमने इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है. सो हम लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, इक्वलिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट पुट करेंगे एल नॉट और डेल्टा टी. हमसे इस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है ना, सो अल्फा को हम यहीं पे रहने देंगे. जो बाकी वैल्यूज यहाँ पे इसके साथ एल नॉट डेल्टा टी है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी. सो दैट वुड बी डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नॉट और डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर. सो यही आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी. अब आपने इसमें डिसाइड करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए.
सो डियर व्यूअर, ये था आज के पेपर का सोल्यूशन। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विथ आई एम केमिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।